गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे जीव भार का पिरामिड, यानी जीव भार, यानी जो जीव जंतु हैं उनके भार के आधार पर जो पिरामिड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो जीव भार के आधार पर पिरामिड हमेशा उल्टे भी हो सकते हैं और सीधे भी हो सकते हैं। उनके उदाहरण कौन कौन से हैं वो आपको पक्का ध्यान रखना। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आपको चित्र के माध्यम से समझना है कि किस प्रकार से इनका जो भार है वो किस प्रकार से सीधा है और किस प्रकार से उल्टा पिरामिड है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जीव भार के जो पिरामिड होते हैं उल्टे व सीधे दोनों होते हैं। तो ये लाइन आपको पक्का ध्यान रखनी है, ये सत्य असत्य कथन में कहीं भी आपको पूछे जा सकती है। फिर अपन बात करते हैं, जैसे मान लो कि उल्टे और सीधे, तो अपन पहले सीधे की बात करते हैं। वन और घास स्थल में जितने भी जो आपको पिरामिड बनेंगे वो सीधे बनेंगे। किसका? जीव भार का। कैसे बनेंगे? जैसे मान लो इस प्रकार है, ये इस प्रकार जब त्रिभुज बनता आधार नीचे होता है तो ये सीधा पिरामिड माना जाता है। अब देखो यहां पे वन है और घास स्थल, यानी आप मान लो किसी एक वन का उदाहरण मान लिया, तो वन फॉरेस्ट में अगर कई सारे पेड़ पौधे होंगे तो उनका भार अधिक होगा, तो उसका आधार हमेशा चौड़ा होगा त्रिभुज का। और यहां पे आधार चौड़ा होने का मतलब है इनका पेड़ पौधों का घास फूस का भार क्या ज्यादा है। अब इन वन में छोटे जीव जंतु रहेंगे, छोटे जीव जंतु पक्षी, तो उनका भार कम होगा, तो इनका भार कम होगा। और इन छोटे जीव जंतु के ऊपर कीट पतंगे पक्षी वगैरह रहेंगे तो इनका भार और भी कम होगा। संख्या में ज्यादा होंगे लेकिन उनका भार हमेशा कम होगा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि आधार से शीर्ष भाग की ओर जाने पर आपको हमेशा इस पिरामिड में क्या होगा, भार में कमी मिलेगी। भार हमेशा ज्यादा नीचे रहेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाएंगे, शीर्ष भाग की ओर जाएंगे, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, भार कम मिलेगा। अब जैसे मान लो ये तो हो गया आपका सीधा। अब अपन बात करते हैं एक तालाब। जब भी कभी एक तालाब हो, एक पेड़ हो, उसका अगर कोई चित्र आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, चाहे जीव संख्या का हो चाहे जीव भार का हो, वहां पे पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा। तो देखो एक तालाब का पिरामिड उल्टा बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे ये इसको समझना। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, मान लो ये कोई एक तालाब है, इस तालाब में कई सारे छोटे छोटे जीव जंतु होंगे। जीव जंतुओं की संख्या तो होगी अधिक, जैसे मेंढक है। अब एक मेंढक इतना सा, मान लो 100 मेंढक है उस तालाब में, तो 100 मेंढक का भार कितना होगा? आप ज्यादा से ज्यादा मान लो 10 किलो 20 किलो होगा, ठीक है मान लो। तो ये छोटे जीव, इन छोटे जीव को खाने वाली मान लो 20 मछलियां, छोटी मछलियां, तो इनका भार संख्या तो कम है लेकिन इनका भार मेंढक से कई गुना अधिक होगा जी। तीसरा, जैसे अपन इधर जाएंगे आगे, तो छोटी मछली को खाने वाले बड़ी मछली शार्क व्हेल मछली तो होंगी, संख्या में तो होगी एक, लेकिन व्हेल मछली कितनी बड़ी होती है, 30 हाथियों के बराबर उनका वजन होता है, तो संख्या में तो कम है। जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाते हैं तो उसका मतलब क्या है कि शीर्ष भाग या अपन ये कह सकते हैं जो उल्टा पिरामिड है उसका जो सबसे नीचे वाला भाग है वहां पे संख्या तो ज्यादा होगी लेकिन उनका भार हमेशा कम होगा। और जैसे जैसे अपन जाएंगे, ये आधार है इसका, आधार त्रिभुज का उल्टा, तो यहां पे भार अधिक होगा। तो जैसे जैसे इससे नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, यानी छोटे जीवों की संख्या अधिक से अपन कम की ओर जाएंगे, तो हमेशा जीव भार में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि घास और वन का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। किसका? जीव भार का। और अगर जीव भार में अगर पूछे एक तालाब है तो उसका पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। तो इस प्रकार आज हमने आपको बताया कि जो त्रिभुज बना के, उनका जो चित्र बना के, किस प्रकार से जीव भार का जो पिरामिड है उल्टा होता है और किस प्रकार से सीधा होता है। आप हमारे ये छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए आप इन वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ये समझ में आ सके, छोटे छोटे वीडियो से कई छोटे छोटे सवाल इसमें छुपे हुए हैं। तो आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।